हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और जैसा कुछ दिन पहले आपने देखा कि भारतीय रेल में अवेस्ट्रॉन इन्फोटेक कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ बहुत सारे साइट्स पे उसकी डिटेल्स अपलोड की गई और वो दावा कर रहा था कि ये वेरियस वैकेंसीज़ हैं और आपको उसमें फिल करना था। तो ऐसे में दोस्तों अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और ये अखबार में भी छप चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी फर्जी वैकेंसी थी। तो 5285 पदों पर निकली वैकेंसी रेलवे की फर्जी बहाली। इसमें लिखा क्या गया है कि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी ने शनिवार को रेलवे के 8 पदों पर 5285 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। विज्ञापन के जरिए एजेंसी ने आवेदकों से 750 रुपये का ऑनलाइन शुल्क भी मांगा है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी गई है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरह मैंने एक्सपोज किया था कि अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो इसके पर्सनल अकाउंट में जाएगा, वो रुपये जाएगा। तो इसलिए मैंने साइट के बारे में एक ओवरव्यू दिया था पिछली वीडियो में, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने इसकी जानकारी पर कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला प्रतीत होता है, इसमें किसी ठग गिरोह का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि एक सेवा प्रदाता कंपनी होने का दावा करते हुए एजेंसी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से 10 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन करने का समय दिया है और 5285 रिक्तियों में जूनियर असिस्टेंट के लिए 600, कंट्रोल के लिए 35, बुकिंग क्लर्क के लिए 430, गेटमैन के लिए 1200, कैंटीन सुपरवाइजर के 350, पीयून के लिए 1460, केबिनमैन के लिए 780 और वेल्डर के लिए 430 पद शामिल हैं। हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक अर्हता तय की गई थी। तो साथ ही मासिक आमदनी का भी ब्यौरा दिया गया था, उसमें सैलरी का भी ब्यौरा दिया गया था। खास बात यह है कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर संरक्षा संवर्ग की नौकरी देने का वादा किया गया है। एजेंसी ने 18 से 40 वर्ष आयु तक के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में है। और यहाँ पे जो CPRO ECR राजेश कुमार ने क्या बोला कि धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला प्रतीत होता है, रेलवे मामले की जांच में जुट गया है, रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और न ही किसी माध्यम से रेलवे में किसी प्रकार की नौकरी का भरोसा दिया जा सकता है, ऐसा बोला गया था। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एजेंसी ने 5 राज्यों अभ्यर्थियों से मांगी अर्जी, कि रेलवे 17 जोन में बटा है पर विज्ञापन निकालने वाली एजेंसी ने सिर्फ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। एजेंसी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इनकी कंपनी सरकारी विभागों के लिए अनुबंध कर्मचारियों की बहाल करती है। रेलवे के लिए आउटसोर्स पर 10 से 13 लाख वैकेंसी निकालने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आप ये देखेंगे कि बहुत सारी जितनी भी साइट्स हैं और जितनी भी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स ने वीडियोज बनाए हैं, तो असल में ये जिन्होंने बनाया है तो पहली साइट को ही कोट करते हुए इन्होंने बनाया है, जबकि वो साइट कई बार ब्लॉक हो रही थी, काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे में ये भर्ती फर्जी है। कई लोग इस फोटो का यूज़ करके प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप आउटसोर्सिंग कैसे करा रहे हैं, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये आपको अगर ट्विटर पे कहीं अगर चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें ऐसा प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ना कोई मुद्दा उठाते मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस टाइप के किसी भी जॉब पे यकीन ना करें। एंड अगर आप ऐसी कोई जॉब देखते हैं, कोई विज्ञापन देखते हैं, तो पहले आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, किस तरह से एक फर्जी साइट को किस तरह से आप नोटिस मिलाते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई साइट फर्जी है लेजिट है, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यही दोस्तों, आप ऐसे किसी भी फर्जी नोटिफिकेशन से सावधान रहें एंड ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें। थैंक्स लॉट गाइज़।